दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली की बल्लेबाजी से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट कोहली और सूर्या की आतिशी पारी को देख पाकिस्तानी दिग्गजों का आया होश उड़ा देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी दिग्गजों ने विराट कोहली और सूर्या की बल्लेबाजी को देखकर एक ऐसा बयान जारी किया जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार पाकिस्तानी दिग्गजों ने विराट और सूर्या को लेकर कौन सा होश उड़ा देने वाला बयान दिया है, जानिए। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में कौन है खतरनाक बल्लेबाज, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत ने सुपर 12 राउंड के अंदर अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड को 56 रनों से हरा दिया। दरअसल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 179 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 53 रन की पारी खेली तो वहीं विराट कोहली 44 गेंदों में 62 रन बनाकर और सूर्य कुमार यादव 25 गेंदों में 51 रन की नाबाद पारी खेलकर मैदान में डटे रहे आखिरी तक। जवाब में नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 123 रन ही बना सकी। नीदरलैंड की ओर से टिम प्रिंगल ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाए और भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिला और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज करने के साथ ही साथ सभी को चारों खाने चित कर दिया और अपनी दूसरी जीत दर्ज करके अंक तालिका में सबसे ऊपर अपनी जगह बना ली। और इस जीत के साथ पाकिस्तानी दिग्गजों ने विराट और सूर्या पर बयान दिया जिसमें इंजमाम उल्लक ने बयान देते हुए कहा कि बेशक भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक तरीके से मुकाबला खेला और आखिरी एंड मोमेंट पर जीत दर्ज करी, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम ने दिखा दिया है कि वो T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली का बेहतर प्रदर्शन करना उनके लिए प्लस पॉइंट साबित हो रहा है, क्योंकि जब तक भारतीय टीम के खिलाड़ी फॉर्म में नहीं थे तब तक भारतीय टीम आराम से हार रही थी, लेकिन इनके फॉर्म में आने से भारतीय टीम किस्मत ही बदल गई और भारतीय टीम लगातार जीत दर्ज कर रही है। इसके अलावा शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव का बेहतर प्रदर्शन करना काफी ज्यादा प्लस पॉइंट भारतीय टीम के लिए साबित हो रहा है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिस समय पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं उस समय पर वो गेम को एक नई दिशा दिखा देते हैं और आप गेम को कहीं भी ले जा सकते हैं। ऐसे में सूर्य का आना वाकई में काफी अच्छा होता है और सूर्य इसी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि विराट गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका फॉर्म में आना वाकई में भारतीय टीम के लिए प्लस पॉइंट नहीं सुपर प्लस पॉइंट साबित हो रहा है। तो वहीं आफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से जिस अंदाज में सूर्य और विराट दोनों ने बल्लेबाजी की है उसे देखकर कहा जा सकता है कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों में अपनी अलग ही काबिलियत देखने को मिली है। तो वहीं उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि अगर दोनों बल्लेबाज इस तरीके से शानदार बल्लेबाजी करते हैं तो भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने में कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप को बड़े ही आराम से जीत जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में जीत का हीरो कौन है, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।